नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई रॉय बोल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 की दो टीमों के बारे में, उनका फुल प्रीव्यू करेंगे। एक है गुजरात टाइटंस तो दूसरी है दिल्ली कैपिटल्स। यार, गुजरात टाइटंस को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, उनके पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या अब चले गए हैं मुंबई इंडियंस के पास और इस साल भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे गिल। गिल को ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि गिल इस साल अपनी टीम को कहां तक लेकर जा पाते हैं या फिर नहीं। वही बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में भाई एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है उन्हें, उनके कप्तान ऋषभ पंत उन्हें वापस मिल गए हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और फाइनली वो सही हो चुके हैं और इस साल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। इनके जो कोच है वो आशीष नेहरा है और इनका जो होम ग्राउंड है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 की है और इन्होंने जो कप जीता था 2022 में जीता था। बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज की, तो दो साल इस फ्रेंचाइजी को आते हुए हुआ है और इन्होंने हर टीम को अच्छे से डोमिनेट किया है। एक मुंबई इंडियंस ही एक टीम है जिसपे इनका विनिंग परसेंटेज 50-50% है, बाकी सभी टीमों के खिलाफ मोर देन 60% है। चेन्नई की बात करें 60%, दिल्ली कैपिटल 66%, नाइट राइडर 66%, पंजाब 66%, राजस्थान रॉयल 80%। वहीं बात करते हैं बेंगलुरु की 66%, हैदराबाद 66% और लखनऊ सुपर जायंट्स तो 100%। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स तो इसके सामने बिल्कुल फीकी नजर आती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई विनिंग परसेंटेज की। अब बात करते हैं इनके फुल स्क्वाड की, तो गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इनके जो ओवरसीज प्लेयर है, डेविड मिलर, मैथ्यू वेट, केन विलियमसन, नूर अहमद, राशिद खान, जोस लिटिल, ओमजारी और जॉनसन, ये इनके ओवरसीज प्लेयर रहेंगे, बाकी के इनके इंडियन प्लेयर्स हैं। अब एक नजर डालते हैं टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा डिसेंट है। रिद्वान शाह है, शाही सुदर्शन है जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद मैथ्यू वेट, केन विलियमसन और गिल जो कि बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। फिनिशर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे फिनिशर हैं इनके पास, डेविड मिलर, राहुल तिवटिया, शाहरुख खान और विजय शंकर, जो बड़ी बड़ी हिट लगाकर कितने भी स्कोर को आसानी से चेस करा सकते हैं। लगता नहीं है कि राहुल तिवटिया किसी भी टारगेट को चेस करा सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे बल्ले पे लगातार छक्के छक्के मारता है। जिस तरीके से रिंकू सिंह है उसी तरीके से राहुल तिवटिया भी है। भाई बात करते हैं इनके स्पिन अटैक की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। दो अफगानिस्तानी बॉलर हैं इनके पास, राशिद खान और नूर अहमद, जो कि बहुत अच्छे बॉलर है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करते हैं टीम की, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन टीम की एक वीकनेस भी है, वो है उनके मोहम्मद शमी, जो कि इंजर्ड हो चुके हैं और बाहर हो चुके हैं। लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा विकेट निकाले थे मोहम्मद शमी ने। वहीं दोस्तों बात करते हैं इनके पास जो अदर बॉलर है, जॉस लिटिल, मोहित शर्मा, उमेश यादव, जॉनसन, ये इनके बॉलर है जो कि रन ज़्यादा खर्च करते हैं। बात करते हैं गिल की, तो गिल को कप्तानी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट प्लेयर अच्छा है, रन स्कोर करता है, लेकिन कप्तानी का अनुभव नहीं है, तो ये थोड़ी सी मुझे कमजोरी नज़र आ रही है इस टीम की। वहीं बात करते हैं अब इनकी प्लेइंग 11 के बारे में, तो गिल के साथ रिद्वान शाह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद केन विलियमसन, साई सुदर्शन, राहुल तिवटिया या फिर विजय शंकर में से किसी एक को चांस मिल सकता है, उसके बाद डेविड मिलर, सेवन नंबर पे शाहरुख खान, शाही किशोर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, उसके बाद राशिद खान, जॉनसन या फिर लिटिल में से किसी एक को चांस मिलेगा, उमेश यादव और मोहित शर्मा, ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है पहले मैच के लिए। अब बात करते हैं हमारी प्रिडिक्शन की। यार, नो डाउट टीम बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन इनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी ना, वो थी इनकी हार्दिक पांड्या। जो वो कप्तानी करता था ना, वो अलग ही लेवल करती। बीच में मिडल ऑर्डर में खेलने आता था, पावर हिटर था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही टीम को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता था। उनके जाने से टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए नजर आएगी, तो मुझे लगता है इस साल ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगी फाइनल के लिए और प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाएगी। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को तो अच्छा बूस्ट मिला है, उनके कप्तान ऋषभ पंत उन्हें वापस मिल गए हैं। कोच रहेंगे इनके रिकी पॉन्टिंग और इनका जो होम ग्राउंड है वो अरुण जेटली स्टेडियम है। ये टीम 2008 में आई थी। बात करते हैं इनके फाइनल स्टैंडिंग की, जितने भी तक सीजन हुए हैं किस पोजीशन पे इन्होंने लीग में खत्म किया है। केवल एक साल इनका अच्छा था 2020, जिसमें ये रनर अप रही थी, बाकी के साल इनके कुछ खास नहीं रहे अभी तक। बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज की, तो चेन्नई सुपर किंग के सामने 35.71 का इनका विनिंग परसेंटेज, यानी कुछ खास नहीं है। गुजरात के सामने 33.33 का है, नाइट राइडर के सामने 46.87 का है, लखनऊ सुपर जायंट के सामने मैंने जीत अभी नसीब नहीं हुई है, तीन मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों मैचेस में हार देखने को मिली थी। एमआई के सामने
45%, पंजाब के सामने 48, राजस्थान रॉयल के सामने 48 और बेंगलुरु के सामने 35 और हैदराबाद के सामने 43, यानी किसी भी टीम के सामने मोर देन 50% इनका नहीं है। इसीलिए यही रीजन है कि ये कभी भी कप नसीब नहीं कर पाई है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके फुल स्क्वाड के बारे में। ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो डेविड वार्नर है, नॉर्टिज है, लुंगी नगीडी है, मिचेल मास है, हैरी ब्रूक, टी स्टब, जे रिचर्डसन और शाई होप, ये इनके ओवरसीज प्लेयर्स थे। अब बात करते हैं टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है, पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इनके पास मिचेल मार्स है। पावर प्लेयर की बात करें तो इनके पास मिडल ऑर्डर में काफी अच्छे पावर प्लेयर है, शाई होप है, जैक है, टी स्टब है, यश दुल है, ये मिडल ऑर्डर में काफी अच्छी पारी खेल सकते हैं। स्पिन अटैक की बात करें तो क्वालिटी स्पिनर्स इनके पास इंडियन प्लेयर अच्छे हैं, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, जो कि काफी अच्छे स्पिनर है। वही दोस्तों बात करते हैं इनकी वीकनेस के बारे में। अब बात करते हैं टीम की वीकनेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं टीम की वीकनेस है उनका फिनिशर। उनके पास ऐसे फिनिशर नहीं है जो अदर टीम में है। जैसे मैंने अभी गुजरात की बात करी तो उनके पास डेविड मिलर है, उनके पास शाहरुख खान है, उनके पास राहुल तेवतिया है, ऐसे फिनिशर है जो अकेले की दम पे गेम को फिनिश कर सकते हैं। हालांकि इनके पास अक्षर पटेल है नो डाउट, बट वो इतने भी बड़े फिनिशर नहीं है। बाकी बात करते हैं ललित यादव, वो भी इतने बड़े फिनिशर नहीं है, पारी को थोड़ा बहुत चला सकते हैं लेकिन गेम को फिनिश नहीं कर सकते। हालांकि ऋषभ पंत की वापसी हुई है लेकिन उन्होंने बीच में बिल्कुल मैचेस नहीं खेले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है उनके बैटिंग ऑर्डर पर। पृथ्वी शॉ की बात करें तो उनका फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, यानी खराब ही चल रहा है, वो रन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो स्कोर कर रहे थे लेकिन उसके बाद अब उनका स्कोर नहीं हो रहा है। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो वो भी एवरेज बोल सकते हैं, मुकेश है, ईशांत शर्मा है, खलील अहमद है और जे रिचर्डसन और नॉर्टेज इनके पास। मिडल ऑर्डर की बात करें तो लॉट ऑफ ओवरसीज प्लेयर है, जिस वजह से कहीं ना कहीं टीम को चार ही प्लेयर को खिलाना है, तो वो भी इनके पास एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, किसको खिलाए किसको ना खिलाए। डेविड वार्नर का फिक्स है, मिचेल मार्स का फिक्स है, बाकी के इनके पास अगर बॉलिंग अटैक में लेते हैं तो नॉर्टेज और रिचर्डसन को लेते हैं, तो बीच में जो मिडल ऑर्डर है ना वो इनका बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया टीम की स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, अब बात करें एक बार प्लेइंग 11 की। तो डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे मिचेल मार्स जो कि काफी अच्छे प्लेयर है, उसके बाद ऋषभ पंत, पांचवें नंबर पे शाई होप या फिर जैक में से किसी एक को चांस मिलेगा, उसके बाद ललित यादव, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, नॉर्टिज या फिर रिचर्डसन में से किसी को चांस मिल सकता है और खलील अहमद या फिर ईशांत शर्मा। अगर यहाँ पे नॉर्टिज और रिचर्डसन दोनों को खिलाते हैं, बॉलिंग लाइनअप मजबूत करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ा जाएगा, फिर इन्हें शाई होप या फिर जैक में से किसी को भी खिलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो टीम बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस नज़र आ रही है मुझे। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी प्रिडिक्शन की। तो यार प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें, तो मुझे लगता नहीं है कि ये टीम इस साल भी कप जीत पाएगी और प्लेऑफ में भी पहुंच पाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपनी प्रिडिक्शन आपको दे दी, अपनी भी प्रिडिक्शन आप हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का तो जाओ भाई फटाफट ज्वाइन कर लो। हर मैच की फ्री प्रिडिक्शन चाहिए तो वो वहीं पर दी जाएगी।